के प्राथमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षिका की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन होटल शिवम में किया गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित तमाम शिक्षक और शिक्षक नेता मौजूद रहे। पेश है रिपोर्ट। उलाऊखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सरला दीक्षित निवासी आर्य नगर जो कि सेवानिवृत्त हुई उनकी एक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन होटल शिवम में किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी और साथ में शिक्षक नेता भी इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने सरला दीक्षित के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके पठन पाठन कार्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरला दीक्षित द्वारा अपने सेवा कार्य में रहते हुए अपने पढ़ाई के कार्य में अधिक रुचि लेते हुए बच्चों के भविष्य के प्रति सदैव उजागरता दिखाई है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर उनको विदाई देते हुए उनके परिवारजनों और सरला दीक्षित के उज्ज्वल मंगल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। एक दिन सबको सेवानिवृत्त होना है और आज से 10 दिन पहले वायरल हो गया। मुझे भी सेवानिवृत्त किसी ने कर दिया। मैंने कहा मैं सेवानिवृत्त हो गया, कहा शायद 31 मार्च को आप रिटायर हो जाएंगे। हम कहे अगर ऐसा कोई नियम आ गया कि 10 साल पहले रिटायर होना तो हो जाऊंगा। तो रिटायर होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया का हर इंसान आता है, नौकरी करता है, रिटायर तो होगा ही। लेकिन आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छा काम किया, यकीन मानिए दिल में खुशी होती है, रात को अच्छी नींद आती है। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है और इसी कारण से मैं समय नहीं देखता कि क्या हो रहा। कभी कभी ये लोग आते हैं आपको रात में तो भी मुझे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, लेकिन अध्यक्षता कर रहे हमारे महागुरु जयप्रकाश जी का और हमारे शिक्षक संगठन जिला मंत्री जी हाँ जिला अध्यक्ष आदेश यादव, वैश्व उपाध्यक्ष राम यादव, अरुण जिला अध्यक्ष होया और समस्त साथी मार्गदर्शक पूर्व मातृ शिक्षक के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बंधुओं, मुझे एक तरह समर्पित विदाई हो रही है, एक तरह शुभ हो रहा है और हमारे अपने यहाँ से गए हो रही है एक बात जरूर करता हूँ कि आज से टेंशन खत्म। थोड़ा ही टेंशन, पहले तो टेंशन होता था लेकिन आज से टेंशन लेना बंद कर। टेंशन आदमी खरीदता। अभी और कुछ विशिष्ट हो जाते हैं और उनकी आवश्यकताएं तो अलग हो जाती है, उनकी दुनिया तो अलग हो जाती है। मैं इस पर से कामना करूंगा कि वो जैसे आग है और जैसा उन्होंने जीवन पूर्ण को दिया है वैसा ही अपना पूरा जीवन बतीत करें। इन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो, ये जैसे स्वावलंबी थी और सशक्त थी उतनी ही सशक्त रहे और अपने आप को कभी भी टूटा हुआ न माने, अपने आप को सेवानिवृत्त न माने बल्कि एक नई भूमिका में अपने आप को नियोजित करें। और अवसर मिला है कि अभी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के अपने आप को समय दें और अपने आप को और भी निखारें, अपने व्यक्तित्व को और निखारें और उस निखार और उस प्रकाश से समाज को परिवार को आलोकित करें। धन्यवाद। अपनी तरफ से जय शिक्षक सेवा।